पत्थर वत्थर जो हो अपनी जगह सड़कों की तमीर में काम आ रहे हैं, बिल्डिंग की तमीर में काम आ रहे हैं, और किसी को जख्म देने के लिए, जरब देने के लिए काम नहीं आ रहे हैं। जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने ऑपरेशंस अपने शिफ्ट किए हैं जम्मू डिवीजन की तरफ, क्या ये बाहर से ही मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो रहा है और जो ऑपरेशंस हैं, जो अटैक्स वगैरह हैं, वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए? यहाँ पे सिर्फ हमने देखा कि कुछ माइनॉरिटी टारगेट्स किए गए थे, लेबर्स को टारगेट किया था हालिया दिनों में। देखिए, इस तरह की जो साजिशें करतूतें पाकिस्तान की सरहद की तरफ से होती हैं, वो टाइम टू टाइम इस तरह की नकलो हरकत करते रहते हैं कि कुछ एक जगह पे इस तरह का माहौल पैदा करें जहां अमन अच्छे से पुख्ता तरीके से इस वक्त कायम है, वहां पर भी अमन में खलल डाला जाए। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा खिता नहीं रहा था जहां पर उन्होंने अपना दांक नहीं जमाई थी, मगर आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हम सब ने मिल करके दहशत को पछाड़ दिया है। दहशत पीछे रह गई है, अमन आगे चल रहा है, अमन आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे ये खुशी है इस बात की कि आज अगर आप देखें तो दहशतगर्दी एक जिन्न की तरह कभी यहाँ शक्ल दिखाती है, कभी वहाँ शक्ल दिखाती है। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ, उसका क्लेम भी अभी ठोकने के लिए TRF आगे आया, हालांकि उस केस को तफ्तीश कर रहे हैं, देख रहे हैं, मगर हर चोरी के लिए चोर पहले से तैयार रहता है कि ये चोरी मैंने की है, मेरा नाम ले लो इसमें साथ में। और कोई अच्छा काम करे, नेक काम करे, तो अपना नाम लेने वाला आगे आए तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर बदनाम तरह का काम, घटिया तरह की हरकत करने के बाद अगर कोई कहे कि मेरा नाम ले लो जल्दी से, मैंने ये काम किया, तो मुझे लगता है शर्म की बात है, शर्मनाक बात है। इस तरह की बातों से गुरेज करने की ज़रूरत है, ये कोई बड़ा नेक काम नहीं है। ड्रग्स का जिक्र आपने किया, ड्रग्स मैंने पहले भी कहा कि जब जम्मू कश्मीर के हालात अब बिल्कुल मामूल की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे हालात, बच्चे बच्चियां बिना किसी खौफ के अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने कैरियर को बिल्ड कर रहे हैं, काम कारोबार बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं, बंद बंद सारी कल की बातें हो गई हैं, पत्थर वत्थर जो हो अपनी जगह सड़कों की तमीर में काम आ रहे हैं, बिल्डिंग की तमीर में काम आ रहे हैं, और किसी को जख्म देने के लिए, जरब देने के लिए काम नहीं आ रहे हैं। आज पत्थरों ने भी अपना रुख बदल लिया है। इसके चलते पाकिस्तान की एक नई साजिश जो पंजाब में पहले हुई, जब पंजाब की दहशतगर्दी ख़त्म हुई, नशाखोरी की आदत, इसकी लत बच्चों को वहाँ पर ऐसी डली कि आज तक वो मिलिटेंसी से छूट पाए हैं मगर नशे की लत से नहीं छूट पाए हैं। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ से जो नया तोहफा अभी दिया जा रहा है, सालों तक इस वबा से निकल ना पाए, ये पाकिस्तान की साजिश है। हम सबको इसको समझना पड़ेगा, हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि चंद रोज पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद एक मीटिंग की सदारत नेशनल लेवल पे कर रहे थे, सभी स्टेट्स ने उसमें हिस्सा लिया, सभी फोर्सेस ने जो ड्रग के खिलाफ काम करती हैं उन्होंने हिस्सा लिया। पिछले एक साल के अंदर 1 मिलियन kg ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान ने कैम किया है। इसी तरीके से जो पिछली बार डिस्ट्रक्शन ड्रग्स की जहाँ पर करी गई उसमें 8,000 kg के करीब जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बाकी जो एजेंसियों ने जहां पर पकड़ी थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। अभी अगर देखें तो 2,000 से ज़्यादा केसेस हमने बुक करे हैं, 3,000 के करीब लोगों को केसेस में बंद किया है, 300 के करीब लोग ऐसे जिनको पिट NDPS में बंद किया है। बहुत सारी सख्ती से कार्रवाई इस यमन में हो रही है, होती रहेगी। ड्रग्स में हम किसी भी तरह का कोई भी टॉलरेंस का लेवल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सब आपका सहयोग चाहते हैं। आप भी अगर कुछ तरह की चीज़ें सामने आती है तो उसको बेनकाब करिए। यात्रा के लिए मैं अपने लोगों को, सबको जो सहयोग कर रहे हैं उन सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। यात्रा अभी 3 लाख का मार्क क्रॉस करके उसके आगे चल रही है। जो लोग यात्रा के लिए आए उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, कोई पहलगाम जा रहा है, कोई श्रीनगर आ रहा है, गुलमर्ग घूम रहा है, कोई आगे पीछे सब जगह जा रहे हैं। लोग खुद इस बात को कह रहे हैं कि न सिर्फ यात्रा भोले अमरनाथ के दर्शन करने का मौका और वहाँ पर जाकर के अपना नमस्कार करने का मौका उनको मिला, हॉस्पिटलिटी और कश्मीर की खूबसूरती को भी देखने का मौका मिला। मैं सभी लोग जो कोऑपरेट कर रहे हैं
उनको मुबारकबाद देता हूँ। आपने मुहर्रम की बात करी, उसके लिए अच्छे इंतजाम सब जगह पे किए गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जितने भी रिलीजियस कार्यक्रम हैं वो रिलीजियस भावना से हों, आपसी भाईचारे की नीयत के साथ हों, किसी भी तरह का किसी फिरका प्रस्ती की कोई बू उसमें से नहीं आनी चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक रिलीजियस सेक्ट की तरफ से या दूसरा, ये हर किसी के त्यौहार साझे होते हैं, पीरों पैगंबरों को बांटा नहीं जा सकता, वो सबके लिए साझे होते हैं, सबके लिए होते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें जितने भी लोग हमारे शिया भाई जितने भी अपना इस मुहर्रम के दिनों में अपने जो जितने भी इवेंट्स करेंगे उनको हर तरीके से सहयोग किया जाएगा, और उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनके मुताबिक जो हम कर सकते हैं ज़रूर उनकी मदद करेंगे। इंतजामिया सब तरीके से हर तरीके से उनको अंगेज करके चल रही है, और मुझे लगता है कि अमन के तरीके से सारा कुछ हो, ये हमारा सबसे ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।